हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदा सर्टिफिकेट कोर्स की जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स की तलाश में हैं, वो भी आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में वैसे तो कई सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स है या फिर आपका इधर सर्टिफिकेट कोर्स है, कई सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स हैं जिनको करके आप इजीली आयुर्वेदा में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की उस कोर्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और लोग इसको बहुत तेज़ी से कर भी रहे हैं। चलिए समझते हैं कि वो कौन सा डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको करके आप भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। समझेंगे इस कोर्स का नाम क्या है। इस कोर्स को अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CCAT, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक थेरेपी। आयुर्वेदिक थेरेपी में एक सर्टिफिकेट कोर्स आपको लेना है जो आयुर्वेदा की थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, डिटेल चीज़ें आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली आप अगर यहाँ पर जो आप पिक्चर है उस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ पा रहे होंगे, जो भी हमने उस पर थंबनेल लगाया वहाँ से भी आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से वो थेरेपी देते हैं आयुर्वेदा में। समझेंगे साथ ही साथ कि अगर आप इस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से हम इस कोर्स को करें वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ समझते हैं, लेवल आपको समझ में आ चुका है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स जो होते हैं वो 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स के होते हैं। डिप्लोमा कोर्स हम 1 ईयर और 2 ईयर्स में कंसीडर करते हैं और उसके बाद आता है डिग्री कोर्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बात यहाँ पर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1 ईयर्स का ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th साइंस होना चाहिए। अगर 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया तो आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को करके करियर बना सकते हैं। बायोलॉजी होना कंपलसरी है, अगर आपने PCM या फिर आपने आर्ट्स साइड किया है तो आप इस पैरामेडिकल कोर्स को नहीं कर सकते। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस इतना कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। इसको बेसिकली करने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी या फिर NIOS बोर्ड जो इस कोर्स को करा रहा है वहाँ पर जाके आपको सिंपली अपनी इंक्वायरी करनी है। अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके देन यू कैन टेक एडमिशन देयर, तो सिंपली आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मेरिट बनेगी या मेरिट बनने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तब आप इस सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो कोर्स की फीस जो होता है वो वेरी करेगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से, किस इंस्टीट्यूट से आप इसको पर्टिकुलर कोर्स को, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स को कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है। इनकी फीस में थोड़ा सा वेरी रहता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके आसपास कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो इस सर्टिफिकेट कोर्स को करा रहा है आप वहाँ पर जाके एक बार पूछिएगा, इंक्वायरी करिएगा, जो आपको सुटेबल लगे आप वहाँ से इस कोर्स को कर लें। रिक्रूटमेंट फील्ड की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में जहाँ पर भी आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना खुद का आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कहाँ से इस कोर्स को करें वो आप जरा समझ लीजिएगा। देखिए सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स होता है या फिर 1 ईयर्स का जो कोर्स होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स में हम कंसिडर करते हैं। तो अगर ये 1 ईयर्स का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप इसको एक तो NIOS बोर्ड से अगर आप करना चाहें तो NIOS बोर्ड से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको NIOS बोर्ड से नहीं करना है तो आप जो काउंसिल हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनसे भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अदर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉलेज जो किसी अदर स्टेट फैकल्टी से एफिलिएट है और वो इस कोर्स को करा रहे हैं तो आप वहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी तरीके का अगर कोई आपको लगता है कि डाउट है तो अदर जगह भी आप इसमें पूछताछ करके आराम से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इसमें एडमिशन लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जो बेल आइकन है इसको आप ऑल पे जाके प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स ऑल।